वाह रशीदी साहब, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अगर एक मुस्लिम लड़की योग करती है, कैसे पीछे रह सकते हैं योग से? कैसे पीछे रह सकते हैं? मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, आपको तकलीफ तो नहीं हुई? मैं सांस ले रही थी बड़ी खूबसूरती से, ऐसे फेफड़ों तक मेरे अच्छी अच्छी जो सांसें हैं खुशबूदार, मगर वो ज्यादा सांस लेना भी ठीक नहीं है। नहीं सर, अगर एक मुस्लिम लड़की योग करती है और दूसरों को योग सिखाती है तो इससे आप क्यों घबरा उठते हैं? क्या एक मुस्लिम लड़की के योग से कट्टरपंथी सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि इससे उनकी मजहबी ठेकेदारी बंद हो जाएगी? ताल ठोक के बहस का नंबर 2 एडिशन जो है उसमें आज यही सवाल, और सवाल इसलिए क्योंकि रांची में एक मुस्लिम लड़की राफिया, हमें उस पर गर्व है, उसके घर सिर्फ इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि वो योग सिखाती है, और इसी से देश के कट्टरपंथी मौलाना इतने नाराज हो गए कि उसके खिलाफ फतवा जारी करने की तैयारी की जा रही है, धमकियां दी जा रही है कि अगर उसने योग नहीं छोड़ा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। ऐसी धमकियों से राफिया सच में परेशान है। उसका कट्टरपंथियों से सवाल है कि देश की विरासत योग को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? जी न्यूज ने आज सुबह से ये सवाल उठाया और अब ये सवाल आप देखिए पूरी मीडिया पूछ रही है, सारे चैनल्स इस पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ खास लोग बने हुए हैं इस पर बातचीत करने के लिए। ताल ठोक के आज हम सवाल पूछेंगे, राफिया के योग से क्यों घबराए मौलाना, महिलाओं के योग से क्यों डरते हैं मौलाना, मौलाना क्या इसलिए राफिया के योग के खिलाफ है क्योंकि उनकी मजहबी ठेकेदारी बंद हो जाएगी, और योग के खिलाफ आखिर फतवा रोक कब तक चलेगा, और क्या मौलाना देश में मुस्लिम महिलाओं की तरक्की के खिलाफ है? इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर रिजवान अहमद इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे साथ। राफिया नाज मत रखिए सर, आप डिसाइड नहीं करेंगे, अरे सर प्लीज आप डिसाइड नहीं करेंगे। राफिया नाज मुस्लिम योगा टीचर है। राफिया बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे साथ। मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जे के बेनीवाल है, रिलीजियस मॉडरेटर है। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, यहाँ स्टूडियो में मनीष अधिकारी साहब है, योगा एक्सपर्ट है, मनीषा अधिकारी हमारे साथ है योगा एक्सपर्ट के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहस की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि खबर विश्वसनीयता के सभी कसौटियों पर खरी है। यह खबर जिस राफिया से जुड़ी है वो खुद हमारे साथ है, आप दूसरे विंडो में उन्हें देख पा रही हैं। राफिया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जानती है देश आपको कितना प्यार कर रहा है और कितना गर्व है, कितना नाज है पूरे देश को। आज सुबह जी न्यूज ने जब इस बहस की शुरुआत की तब आपको लगा था दैट यू विल बिकम अ हीरो ऑफ दिस कंट्री। नहीं मैम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं योग करती हूँ, ठीक है, और लोगों को क्या ऑब्जेक्शन हो रही है अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, और जो सिक्योरिटी मुझे मुहैया करवाई गई है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं जब अब सुरक्षित हूँ तो मेरे सुरक्षा पे क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या इस देश में महिलाओं को सुरक्षित रहने का हक नहीं है? जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही, हमारा देश तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा गणराज्य है और मुझे गर्व होता है कि मैं अनेकता में एकता वाले देश में रहती हूँ, जहाँ पर पूरे धर्म और पूरे समाज और पूरे लोगों को एक रूप में देखा जाता है, और जहाँ पर यहाँ पर अभी बात जात की आ गई है तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आगे मुझे जात पे नहीं डिवाइड कर दे। नहीं नहीं, जात पर कैसे कोई डिवाइड कर सकता है, जात इतनी कमजोर चीज थोड़ी होती है। मौलाना रशीदी साहब, क्या वाकई योग से किसी को दिक्कत? मौलाना साहब बोल रहे थे ना वो इस जात से है, अभी यहाँ पर रुक जाइए, अभी धीरे धीरे शुरुआत होगी, रुकिए आप यहीं पर, डटी रही है आप, पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। योग से जो स्ट्रेंथ आपने अंदर अपनी इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखा है उसे बनाए रखिएगा। मीडिया साथ रहे तो बस है, मीडिया नहीं पूरा देश मौलाना साहब, नहीं नहीं देश पूरा देश, ये सब पब्लिक पूरा देश, ये सिर्फ दिखावा है, छलावा है, कुछ क्या छलावा है, क्या छलावा बताइए मुझे। मैं जानना चाहती हूँ क्या छलावा। साजिद रशीदी साहब से पूछे पहले उनसे। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछूंगी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, रशीदी साहब के पास नहीं जाऊंगी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या दिक्कत है आपको। दिक्कत ये है कि 3 साल से ड्रामा चल रहा, 3 साल से वो कह रहे हैं कि धमकियां मिल रही, 3 साल तक पुलिस में जा करके उन्होंने FIR नहीं किया, आज तक वो नाम बताने के लिए तैयार नहीं। तो आप कहाँ थे 3 साल से जब धमकियां मिल रही थी, 3 साल से ड्रामा चल रहे थे, आप क्यों नहीं आए? नाम मैं आपको क्यों बताऊँ? आप कानून है मेरे या फिर आप मेरी प्रशासन है?
पहले बात करने की तमीज सीखो कि बात करना किस तरह से बात करो। मैं बोल रहा हूं अपनी बेटी मानने से इनकार कर रहे हैं। हां नहीं सर, आप तभी से कि आप तभी से गाली गलौज कर रहे हैं। अरे लड़की तुम जब बोलोगी तो मैं क्या बोलूं? फिर अरे बोल रहे हैं। अरे मत बोलिए, आप मुझे बोलिए, मेरी बेटी बोलिए। नदीमुद्दीन साहब, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, आप तमीज की कोई लेक्चर कोई भी लेक्चर आप राफिया नाज़ मत नहीं सुनाने वाले हैं। तुम बदतमीजी की बात नहीं करना, कोई बदतमीजी की यहाँ बात नहीं कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप मौलवियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं आपको वार्न कर रही हूँ। आप मुझे वार्न करने की जरूरत नहीं है। आप किसी महिला से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। महिला को भी तमीज होनी चाहिए, किससे किस तरह नहीं बात कर सकते। रशीदी साहब सुनिए पहले, रशीदी साहब क्या दिक्कत हो सकती है किसी को योग से? अभी तो मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ आपकी। अभी आपने अनुलोम विलोम नहीं किया, छोड़ दीजिए, चलिए नाम बदल देते, नहीं है अनुलोम विलोम। किसी को क्या दिक्कत हो सकती है सर? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद हिस्ट्री का लोगों को पता नहीं है, मैं तो नाड़ी शोधक प्राणायाम बोलती हूँ। क्योंकि आपको पता होगा हिंदुस्तान में योगा को लाने वाला एक मुसलमान ही था। हिस्ट्री अगर पढ़ी जाए, ना इस्लाम को योगा से कोई तकलीफ है, ना मुसलमान को योगा से तकलीफ है। इसीलिए मेरा एतराज़ आपके इस शो पर यह है कि आपने जो इसको मुस्लिम कट्टरपंथियों से जोड़ दिया, आप मत जोड़िए उसको। चूँकि राफिया ने भी अब तक इस बात को नहीं कहा कि मुझे किसी मौलवी ने ट्रोल किया है या किसी मौलवी ने कर रहे ना सुबह से ट्रोल। सुनिए, नदीमुद्दीन साहब कर रहे हैं ना आपके सामने ट्रोल कर रहे हैं उस बच्ची को। मेरी पूरी बात सुनिए रशीदी साहब, प्लीज मेरी बात सुनिए। सच को सच कीजिए, झूठ को झूठ कीजिए। मैं तो इनके सामने कह रही हूँ, मौलाना साहब सुबह से उस बच्ची को ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल करें आप, सुबह से उस बच्ची को धमका रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। सुबह से उस बच्ची को डरा रहे हैं, बच्ची ट्रोल कर रही है। क्यों डरा रहे हैं उसे? बच्ची ट्रोल कर रही है, हम नहीं कर रहे। सीखिए ना, मैं अभी रशीदी साहब कह रहे हैं, आपको सीखना नहीं है, उसको सीखना नहीं है। एक मुसलमान सिखाने वाले बहुत अच्छे सिखाए, जो ज्ञान दे रहा है वो आप लीजिए ना, क्यों नहीं ले रहे हैं? हमको ज्ञान बहुत है, किसी से ज्ञान की जरूरत नहीं, ना आपसे है ना राफिया से। नहीं होने दिया आपने, बात मेरी पूरी नहीं, इसलिए आप मुझे जाहिल बोल रहे हैं ना। अरे राफिया सुनिए बेटा, सुनिए, अरे पहले सुनो ना, ये आपको बेटा नहीं बोलने, चलिए मैं बेटा बोलता हूँ आपको। मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, आप एक महिला से तमीज से बात करेंगे, सुनिए आप कहेंगे। आप उसे बेटी मानने से इनकार कर रहे हैं तो आपको हक छोड़ देते हैं, आप हक छोड़ देते हैं, आप सलीके में रहकर उनसे बात करेंगे। मौलाना साहब बेटी मानने से किसने इनकार किया? रशीदी साहब मेरी पूरी बात, रशीदी साहब राफिया एक तो एक बात समझ लो आप, सुबह भी आपने बोला। अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुन तो लीजिए यार मौलाना, ये तो आप ही बोल लीजिए, चले जाते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, देखिए ट्रोल करना इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। अगर कोई आदमी हमारे सामने शराब पी रहा है, जिना कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो हमें हक नहीं पहुंचता उसको चोर कहने का, जिनाकार कहने का, शराब पीने का, हमें हक नहीं पहुंचता। हम सिर्फ उसको अच्छा रास्ता बता सकते हैं और अच्छा रास्ता बताना चाहिए, अच्छा सबको बताना चाहिए। सुनिए प्लीज, मैं क्यों इधर उधर, आप मेरी बात को मत पकड़िए, मेरा सेंस क्या है वो देखिए। मैंने परसों इस पर स्टोरी कर ली थी जी हिंदुस्तान पे। आपने देखा नदीमुद्दीन साहब कैसे? मैंने नहीं देखा। नहीं देखा ना आपने? आप अगर देखते तो अभी आप इस मसले पर मैंने कंडम किया ना, मैंने कंडम किया ना, बस सर मैं इस्लाम ट्रोल करने को कंडम करता है। आपके व्यूअर भी कुछ सुनना चाहते होंगे ना, कुछ देखना चाहते होंगे ये बहस क्यों है। मैं सिर्फ राफिया से ये कहना चाहता हूँ, 3 साल से आपको धमकियां मिल रही थी, आप ना तो महिला आयोग के पास गए, ना आपने पुलिस में कंप्लेन कराई, लेकिन आपको कहीं से एक शोशा हाथ लग गया। सना दिया मैंने सर, सुन लीजिए मेरे पे अटैक हुआ, सना बेटा सुन तो लीजिए यार, कि आपकी बेटी पढ़ाई लिखाई छोड़ के कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। आप सुनोगे नहीं तो बात कैसे होगी भाई, ये तो आप ही बोल लीजिए सर। उस बच्चे की बात में पॉइंट, मैं ये कह रहा हूँ मुझे, जब आपको पता चला कि फतवे से पब्लिसिटी मिलेगी तो आपने एक लफ्ज़ जोड़ दिया उसके साथ में, कि फतवे का नाम देकर मुझे धमकी दी जा रही है। बिल्कुल ये सच्चाई है, मैं आपको ये मुझे नाम बता दे, फतवा किसने दिया या किसी मौलवी ने इनको फोन किया हो, या किसी मौलवी ने इनको ट्रोल किया हो। सजेशन मैं तो कंडम कर रहा हूँ ट्रोल करने को। मेरी बात सुनिए मैं ट्रोल करने को भी कंडम कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए, मेरी आंखों में आंखें डालिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। मौलाना साहब मुझे यहाँ पर न जाने कितने मुस्लिम नाम से रोज धमकियां देते हैं, ठीक है। कल को बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत हो जाए तो आप कहेंगे रूबेका क्या कर रही थी, बैठ के सिर्फ घूर रही थी ट्विटर पे,
क्यों नहीं गई तुम? अब सुनिए मेरी बात। मैं कहूंगी मुझे क्या जरूरत है जाने की, जब तक मुझसे मैं जब तक लड़ सकती हूँ मैं लड़ूंगी। वो बच्ची यही कर रही थी, वो पढ़ाई छोड़ के लड़ने के लिए जाएगी वहाँ पर। मैं तो बोल रही हूँ, इस बच्ची ने एक बात और कही, ये सुबह से कह रही है उस बात को कि मैंने सिक्योरिटी नहीं मांगी, मुझे सिक्योरिटी दे दी गई। इस पर इस पॉइंट पर आइए आप। अच्छी बात है, मुझे दो साल से मुझे भी ट्रोल किया जा रहा है, मुझे तो सिक्योरिटी देनी। हट्टे कट्टे, आपको सर कौन सी सिक्योरिटी ऐसी बातें कर रहे हैं? कहां से फट कर रही? क्यों नहीं देंगे उनको? सियासत है, क्यों नहीं देंगे? ये बैठे मौलाना साहब, गुजरात का इलेक्शन साहब, ये बैठे मौलाना साहब, इनका नाम जो डरा राफिया है, इनका नाम चूके राफिया है, और फतवे को बदनाम करने की एक साजिश है ये फतवा। अब मैं चाहती हूँ राफिया को सुना चाहे पूरे देश को, राफिया पर नाज है, जिस राफिया पर जी न्यूज को नाज है, और पूरे देश को नाज है, वो राफिया इस वक्त जी न्यूज पर है। मैं चाहती हूँ राफिया को पूरा देश सुने इस वक्त। मैं आती हूँ रिजवान अहमद साहब, आपके पास भी आऊंगी सर, मैं आपके पास भी आऊंगी। मुझे आज की मेरे हीरो जो है वो राफिया है। राफिया जो ये सवाल उठ रहे हैं उस पर दीजिए आराम से सफाई। यस मैम, आराम से, इत्मीनान से, ठीक है? आप मुझे ये बताइए सर, जो बोल रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। हाँ, पहला मैं ये क्वेश्चन कहना चाह रही हूँ मैम, मैं एक एक करके सारे का आंसर दे रही हूँ, ठीक है? और मैं पहले ये बोल रही हूँ कि मुझे बचपन से योगा करती थी, बचपन से परेशानी नहीं हुई। फर्स्ट इंटरनेशनल योग डे में मैंने अपने कौम के हक के लिए कहा कि अगर मंत्र नहीं पढ़ना है तो मत पढ़े, योग करें, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने स्टेज में जा करके, जब मुझे नीचे से आवाज आ रही थी बाबा रामदेव का पैर छूने के लिए, मैंने कहा मैं पैर नहीं छू सकती। उस समय मुझे बोला गया कि मुस्लिम लड़की है, कैसे पैर छुएगी, ठीक है? तीसरी बात, मैंने वहां भी कहा कि मेरे जितने मुस्लिम भाई बहन हैं उनको अगर मंत्र से दिक्कत होती है तो वह मंत्र ना पढ़े। तो जब मैं अपने कौम के हक के लिए आवाज उठा रही हूँ तो मेरा कौम आज मेरे साथ है, तो ये चंद लोग, कौम का हक सिर्फ योगा के लिए नहीं है, इनको तो खुश होना चाहिए कि बच्ची हक के लिए आवाज नहीं। रशीदी साहब आप मत रोकिए, नहीं नहीं, वो लड़की वो जो कह रहे हैं सुनना चाहती हूँ, आप नहीं, आप क्यों उनके कंधे पर आ रहे हैं? आपकी सोच अलग है इस पर, मौलाना नदीमुद्दीन की सोच अलग है। मैं चाहती हूँ मौलाना नदीमुद्दीन मुझे ये बताइए आपको क्या दिक्कत है? राफिया ये बताए फतवे का लफ्ज इनके पास आया कहाँ से? फतवे का मतलब तो आप ही ने मुझे सिखाया था। कौम के अलावा मतलब योगा के अलावा कौम का नहीं, इनके पास कहाँ से आया? किसने फतवा दिया इनके खिलाफ? राफिया लाइव है हमारे साथ। राफिया फतवा किसने दिया आपके खिलाफ, ये बता दीजिए मुझे। क्यों बताऊं सर, आपको फतवा दिया गया? आपको फतवा दिया गया नहीं, आपके खिलाफ फतवा आया? मैं बोल रही हूँ कि मैं कौम के लिए बहुत, आपके खिलाफ फतवा आया? योगा के अलावा भी मेरी बहुत सारी अचीवमेंट नहीं, आपके खिलाफ फतवा आया कोई मिली है सर? अरे इसका तो जवाब जब मेरा मर्डर हो जाता सर, तब आप नाम मत बताइए, आप नाम मत बताइए, सुनिए तो सही, बताइए क्या आपके खिलाफ फतवा आया? सुनिए तो सही, धमकियां क्या कह रही है? उस पर तो आई नहीं रही, सुनिए ना आप क्या कह रही है? जोड़कर पूरी डिबेट चल रही है। मौलाना रशीदी साहब सुनिए, आप उस बच्ची को, मौलाना उस बच्ची को सुनिए, उसको नहीं बता रही आप उस बच्ची को। मौलाना का कोई फोन आया आपके पास राफिया? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ठीक है। किसी मौलाना ने आपको फतवा लिख के दिया राफिया? ये दो बातों का जवाब दे दीजिए बस। मैं आपको अभी अभी बता देती हूँ सर, प्लीज। वो सुबह की क्लिप निकल मौलाना उसे मत जोड़िए ना उसको, ये मौलाना नहीं है, ये मौलाना नहीं है, इनकी राय फतवा नहीं है, इनकी राय फतवा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जो राय रखते हैं उससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। He is a nobody. बिल्कुल नहीं। He is a nobody. मेरी भी राय फतवा नहीं है। ठीक है। मेरी भी राय फतवा नहीं है। फतवा मींस फतवा मींस एक सवाल पूछा जाए, उसका लिखित में जवाब दिया जाए, उसको कहते हैं फतवा। राफिया को सुनिए एक सेकंड। तो मैं मौलाना साहब को साबित करूंगी कि मैं मुस्लिम हूँ। अरे आपके इस्लाम पे कौन उंगली उठा रहा है? आपके योग पे कौन उंगली उठा रहा है भाई? सर वो क्लिप दिखाइए। आपको मुसलमान होने से कोई मना किया जा रहा है ना, योग पर आपको कोई एतराज कर रहा है? आप तो सिर्फ ये बताइए फतवा आपको किसने दिया? मेरे मजहब साथ है, आप ही तो। आपने सुबह से एक बार भी ये नहीं बोला टीवी वालों को कि भाई मेरे खिलाफ कोई फतवा नहीं आया? क्यों नहीं बोलते आप इस बात को कि फतवे से मत जोड़िए मेरी बात को? मैं बता चुकी हूँ। इसका मतलब ये है कि पब्लिसिटी स्टंट है आपका, इसलिए कि फतवे से आपको फायदा हो रहा है। लफ्ज़े फतवे से टीवी वाले आपको हाथों हाथ ले रहे हैं, फायदा हो रहा है आपको, इसलिए फतवे को आप जोड़ रहे हैं। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं, आप जोड़ रहे हैं, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। आपके पास फतवा है? हम इतने बेवकूफ नहीं है। फतवे की कॉपी है आपके पास? आपको हाँ फतवे की कॉपी है? रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बताती हूँ। ये साहब जो बिल्कुल आपके पास में बैठे हुए ना, अभी बहुत मौलाना साहब मुझे मेंटली खराब
मैं आपको हरासमेंट नहीं कर रहा हूँ बेटा, बेटा मैं आपको हरासमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस बात को कहना चाहता हूँ, लिखा फतवा का रोग, डॉक्टर फतवा आपके खिलाफ नहीं आया तो आप उस फतवे को तो कंडम कर दीजिए कम से कम, भाई मेरे खिलाफ फतवा नहीं आप कंडम तो कर दीजिए कम से कम, आप बोल दीजिए ना कि मेरे खिलाफ फतवा नहीं आया, अरे इनसे भी तो सवाल जवाब कर लीजिए ना, इनसे भी तो सवाल जवाब कर लीजिए ना, क्यों मैं झूठ बोलूं, मेरे बच्चे इस्लाम बदनाम हो रहा है उससे, कहाँ जा रही हैं आप, रुक जाइए मौलाना रशीदी, अगर इस्लाम को बदनाम करके सस्ती शोहरत इस्लाम बेचकर सस्ती शोहरत हासिल करना जायज नहीं है, आप ही लोग मेरे साथ नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, सहारा लेकर पब्लिसिटी मत लीजिए, सस्ती शोहरत हासिल नहीं करनी चाहिए, इस्लाम को बदनाम करके सस्ती शोहरत हासिल नहीं करनी चाहिए, ये कहीं नहीं जा रही, मैं मौलाना नदीमुद्दीन ने जिस तरीके से राफिया को धमकाया है मैं उससे इधर उधर नहीं जाऊंगी, नहीं नदीमुद्दीन ने फतवा लिख के दे दिया, ठीक है मैं कह रही हूँ फतवा नहीं, चलो फतवे से दिक्कत है ना आपको, फतवा हटा दिया फतवा मौलाना नदीमुद्दीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैंने फतवा हटा दिया, फतवा शब्द हट गया, ठीक है फतवा नहीं, कहाँ दिख रहा है देखिए, हाँ, आपको दिख रहा है, देखिए टीवी पर देखिए, हाँ, अच्छे से देख लीजिए, इत्मीनान कर लीजिए, हट गया फतवा, ऊपर बात कीजिए आप, अच्छी बात है, आप रुक जाइए आप उस खेल में मत पड़िए, फतवा हट गया, मौलाना नदीमुद्दीन सुबह से जिस तरीके से उस बच्ची से पेश आ रहे हैं, राफिया से जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, आप उसके साथ खड़े रहे, बिल्कुल नहीं, मैं राफिया के साथ हूँ, ट्रोल करना इस्लाम में कहीं गुंजाइश नहीं, आप बताइए मौलाना, ट्रोल करना इस्लाम में कहीं गुंजाइश, अगर इसको गाली दी जा रही है, इसको बुरा भला कहा जा रहा है, मैं राफिया के साथ हूँ, नहीं दिया जाना चाहिए मौलाना साहब, क्यों एक मौलाना जब बच्ची के साथ खड़े हो गए तो आपकी बोलती बंद हो गई, अरे मेरी अब आप चुप हो गए, नहीं नहीं आप मुझे बोलने कहा, बोलिए बोलिए, देखिए हमने ट्रोल नहीं किया, मैंने कहा ये सुबह से कह रहा हूँ अभी भी कह रहा हूँ कि राफिया का ड्रामाबाजी था, अभी भी है, वो चलता रहेगा, तीन साल से, हाँ बिल्कुल माफी नहीं मांगता मैं, नहीं मांगता मैं, ये ड्रामाबाजी है, नहीं मांगूंगा माफी, आप चले जाओगे चैनल छोड़ के, नहीं मांगूंगा माफी, ड्रामाबाजी कर रही हो, झूठ बोल रही हो, नहीं आप ड्रामाबाजी करा रही है, नहीं वो ड्रामाबाजी कर रही है, मौलाना साहब प्लीज मेरे से रिक्वेस्ट है सारे पहले से, एक मिनट आप हमारी भी सुन लीजिए, आपने बहुत देख लिया, अभी देखिए रशीदी भाई मेरे कितनी बार हमारे साथ इसी पे योग पर राम मंदिर पर दुनिया भर की डिबेट में रहे हैं, आप कह रहे हैं मुसलमान मुस्लिम एक लेके आया योगा, आप सुन लीजिए ध्यान से योग का, योग की परिभाषा सुन लीजिए, और योग कब से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, अरे एक बार मौलाना साहब सुन तो लीजिए प्लीज, क्या बात कर रहे हैं आप, सुन तो लीजिए, आपसे मैं सीखूं, हम नहीं सीखे, हम अपनी बता रहे हैं, सुन लीजिए, मुझे सिखाने की क्या बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, देखिए योग ये वही योग है जो गोविंद राधे, अब बताइए मदद चाहिए का सही योग से होगे करा, देखिए देखिए सुनिए, धर्म से जोड़ा है, धर्म से जोड़ रहे, बिल्कुल धर्म से जोड़ रहे, सुनिए हमारे हमारे, देखिए सुनिए मेरी बात, कौन से बचरे में मैं नहीं पढ़ूं, बेनीवाल जी एक सेकंड रुक जाइए, यहां पे बेनीवाल जी, बेनीवाल जी योग की परिभाषा, बेनीवाल जी रुक जाइए, ये योग की धर्मकारी बता रहे हैं, बेनीवाल जी रुक जाइए, आप बड़े हैं, बेनीवाल जी एक सेकंड नहीं रुकिए, आपको धर्म से नहीं जोड़ रहा, लेकिन योग किसी योग में एकाती आ जाता है, आठ अंग को आठ अंग है इसके, एक ही नहीं एक आसन है उसके अंदर, आठ धर्म का अंग है उसमें, एक आसन है, और हमने मिली महर्षि का बना धर्म महर्षि का बना कि आप करें एक मुसलमान लेके आए, नहीं गलत है ये, अनादि है योग, अनादि है योग, अनादि है योग, उसका एक आठ अंग का एक अंग, मतलब तो समझते हैं आप, शांति योगा धर्म से जुड़ा है, मैं धर्म से नहीं कह रहा हूँ, शांति आप बनने मत कीजिए, आप माफी मांगिए, नहीं मांगता, आप उस बच्ची को सुबह से धमका रहे हैं, आप माफी सवारी मैं बताऊं आपको, मैं देख रही थी, ड्रामाबाजी थी, मैं देख रही थी, ड्रामाबाजी है, ड्रामाबाजी हो, शरीफ इंसान है, मैं जब आपसे डिबेट से बाहर मिलती हूँ कसम से मुझे आपसे बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन आप उस बच्ची को डरा रहे थे, ड्रामाबाजी है, धमका रहे थे उस बच्ची को, नहीं नहीं ड्रामाबाजी है, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है, क्या मुसलमान को आप बदनाम कर रहे हैं, ड्रामाबाजी है, बदनाम हो जाएगा मुझे, ड्रामाबाजी कर रही हो, अरे योग कर रही हो, बदनाम कर रही हो, उस बच्ची को बताइए, नहीं आपने इंडिया गेट से लेके न्यूयॉर्क तक वाशिंगटन तक चुप हो जाइए, आप रुक जाइए, आप क्यों नहीं, आप मैं बच्ची के पास बार बार योग को क्यों बदनाम कर रहे हैं, बेनीवाल जी मैं बच्ची के पास, आपने हिंदू धर्म से जोड़ दिया, ये बड़ा नहीं है,
उसका हाथ हमने हमारे जोड़ दिया। अरे हैं पतंजलि महर्षिका योग है वो तो हम नहीं मानते उसको, ना मानो उसके आसन है। सर छोड़ दीजिए, योग पर इसलिए बहस नहीं हो रही है, एक मुस्लिम लड़की के योग करने पर मौलाना के डराने पर बहस हो रही है। एक मुस्लिम लड़की मर्दों को ट्रेनिंग नहीं दे सकती, क्यों नहीं दे सकती है? मैं मर्दों से सवाल जवाब कर सकती हूं, इस्लाम मैं मर्दों से सवाल जवाब कर सकती हूं, कहता है ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकती है? कहता इस्लाम, मैं आपसे सवाल कर रही हूं, बताइए आत्मा है निकालेंगे मुझे इस्लाम से? आप कौन होते हैं? धर्म को भी इस्लाम के ठेकेदार हैं, इस्लाम के ठेकेदार हैं हम, इस्लाम के ठेकेदार हैं। मैं हूं मुसलमान, महिला को मुसलमान को कहेंगे तो इनके टीम में एंकर भी नहीं बन पाएगी। आप मैं नहीं जरूरत आप नहीं, आप मुझे बताइए नहीं, एक चीज बताइए मुझे रुक बेटा, एक चीज वाराणसी के अंदर राम की आरती की जब आपने क्या कहा? बेनीवाल जी आपने गंगा घाट के ऊपर औरतों ने सफाई की जब क्या कहा? आप रोज एक बकवास लेके आ जाते हैं, ऐसा क्यों है? बार बार देखिए वो जीवात्मा है। सर रुक जाइए एक सेकंड, वो महिला है, उसको आपको उत्साह करना चाहिए, और आपकी मुस्लिम महिला है। बेनीवाल जी अब रुक जाइए, बार बार उसको आप मेरे मेहमान पिछले 20 मिनट से डॉक्टर रिजवान बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। He is the most important part of important नहीं खादियानी है, मुसलमानों का दुश्मन है, उसके ऊपर धिक्कार है उसके ऊपर। रुकिए प्लीज रुकिए, रिजवान को आप मुसलमानों का स्कॉलर बता रहे, मेरी आपत्ति है। आप क्या हेलो भैया फोन कट गया है, फोन कट गया है भाई। अरे लानत है तुम पर, लानत है। अरे आपकी लानत तो किसी का, आपकी लानत का कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है उसके ऊपर। Nobody is interested in your lanat. अल्लाह की तरफ Nobody is interested. राफिया, राफिया, राफिया जी है मैम, आपको किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। अरे बस सर दे दीजिए, आप 3 साल से खौफ खा के पत्थर बन गई हूँ, कोई असर नहीं होता। अब मुझे ये बताइए कि अब तो कुछ और ज्यादा लोग आपके ऊपर राफिया जो है आके आपको धमकियां देने लगेंगे, अब तो सबको पता लग गया है। यस मैम, अब और प्रॉब्लम्स बढ़ गई है मैम, जबकि मैं सुबह से रट रही हूँ। अब तो सिक्योरिटी मिल गई, क्या प्रॉब्लम बढ़ गई आपके? अब तो ठीक है सर, जबकि मैं सुबह से रट रही हूँ मैम इनको कि मेरे से अच्छी अच्छा बात कर रही है, योग कर रही है। मुझे ये बताइए, ये खुद को हमको बदनाम कर रही है। मैं कुछ अच्छी बातें करना चाहती हूँ, गलत बात पे छोड़ दीजिए। मुझे बताइए कब से योग कर रही हैं आप? यस मैम, मुस्कुराइए पहले तो, बढ़िया से मुस्कुराइए मैम, 4 साल की उम्र से मुस्कुराइए, आप बहुत अच्छी लगती है मुस्कुराते हुए। 4-5 साल से तो ये तेज आपको योग से मिला है? मैम जब मैं 4 साल की थी। ओ 4 साल, जब मैं 4 साल की थी। अच्छा, और अब क्या करती है, योग सिखाती भी हैं? यस मैम। कौन कौन से आसन देती हैं? अब मैं, मुझे अर्निंग का ये नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है। मैम मैं सारे आसन करती हूँ, प्राणायाम करवाती हूँ मैम, मैं नीतीश करवाती हूँ, बच्चे लोगों को लंबा होना सिखाती हूँ, जो बच्चे मेरे ड्रग एडिक्टेड होते हैं उनको कॉन्सेंट्रेशन का सिखाती हूँ मैम, जो मेरे बच्चे चाइल्ड लेबर एक्ट के थ्रू पकड़ के आती है मैम उन लोगों का मैं माइंड कॉन्सेंट्रेट करवाती हूँ मैम, हाइट लंबा करने का, बैलेंसिंग का, पढ़ाई याद रहने का, ये सारे मैं करवाती हूँ मैम उनसे मैं। और कितने बच्चे आते हैं आपके पास सीखने के लिए? मैम पहले 150 थे और मैं जिस अनाथाश्रम में करवाती हूँ उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ड्रग एडिक्टेड रहते हैं, जिनको शराब पकड़ते हुए पकड़ लेती है पुलिस, वो वहां ले जाके रख देती है, और साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चाइल्ड लेबर एक्ट के थ्रू पकड़ के आते हैं। और मैम सबसे मुझे खुशी इसलिए होती है कि मैं उस अनाथ आश्रम में जाती हूँ क्योंकि उसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं उनके अनाथ आश्रम में जाती हूँ करवाने। अच्छा, सुबह से जब से ये केसेस चल रहे होंगे राबिया, 10 तरीके के ख्याल आपके जहन में आए होंगे ना राफिया, बहुत आपको थोड़ा टाइम पर डर लगा होगा, थोड़ा टाइम पर ये लगा होगा कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई ख्याल आया? पहले तो पत्थर बन गई थी मेरे कॉम जब मेरा साथ हो गया मैम। यस मैम जब मेरा कॉम मेरे साथ हो गया तो चंद लोग मेरे अगेंस्ट क्यों हो गए, अब तो और ज्यादा डर लग रहा है कि रोड पे निकल लूं तो कुछ घटना ना घट जाए मेरे साथ,
क्योंकि मैम सिक्योरिटी सेफ्टी मिली, प्रशासन सरकार का बहुत शुक्रिया कि बिना मांगे भी मुझे सब कुछ मिला। ठीक है मैम, ये किस टाइप का स्टेटमेंट गई थी मैम? मौलाना रशीदी साहब अच्छा लगता है क्या? वो देखिए वो हंसी, ये शर्मिंदगी वाली हंसी है सर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक बच्ची आपने नशा मुक्ति के लिए वो बच्चों को योग करवाती हुआ नहीं देखा मैम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? शेमफुल है सर, ये बहुत शेमफुल है। क्या बोला? एक मौलाना डराता है, दूसरा मौलाना कहता है सही ट्रैक पर जा रही है। बच्चों को डरा रही है वो? कौन डरा रही है? ट्रैक गलत है क्या? वो डरा रही, ट्रोल कर रही। कौन डरा रही है सुबह? कौन डरा रहा है बताऊंगा आपको। इस्लाम को मत जोड़ो राफिया, इस्लाम को मत जोड़ो बस। मैं डरा रही हूं मौलाना साहब आपको? मुस्लिम महिला, मुस्लिम महिला डॉक्टर किसी मार्ट पेशेंट को देख सकती है कि नहीं देख सकती? मुझे ये बताइए। मैं कह रहा हूँ कि तीन साल से देख सकती है कि नहीं, मुझे बताइए। नहीं, मुझे ज्ञान दीजिए इस्लाम पर। क्या ज्ञान देना बोलिए? एक मुस्लिम महिला डॉक्टर किसी मर्द पेशेंट को देख सकती है कि नहीं देख सकती? देखिए एक बात मैं बताऊं, इस्लामी रोल रेजुलेशन से अगर वो पेशेंट मर रहा है लास्ट कैटेगरी में है तो देख सकती। सर जवाब दीजिए सर। ये कौन सी बात है? मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कमाल की बात। रोल रेजुलेशन पहली बात है। बैठ गए रशीद साहब, माथा पकड़ के बैठ गए। ज्ञान तो ठीक कर दीजिए अपना। मुझे आने वाले सुबह इस तरीके का ज्ञान हासिल कर दिया जाएगा। यूनिट ट्यूशन दिया सुबह धमकी दी थी रिजवान डॉक्टर रिजवान। मैं अगर मेरी तबीयत खराब होगी, मुझे नहीं पता आप MBBS हैं या नहीं है, कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं? पूछिए ना सर, आपको ट्यूशन देने की जरूरत है? आज आप डिबेट में शुरू से बोल रही हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता डॉक्टर रिजवान, रूबिका खुदा ना खास्ता, अगर मैं एकदम खत्म होने वाली बात वापस लेनी चाहिए नहीं। मैं खत्म होने वाली बात इनको वापस लेनी चाहिए। मौलाना नदीमुद्दीन कह रहे हैं मर जाना। डॉक्टर देख साबन है, चाहे वो मर रहा है या नहीं मर रहा है, ठीक। अगर वो रोगी है तो डॉक्टर देख सकती है। क्या राफिया डॉक्टर? नहीं डॉक्टर देख सकता है राफिया डॉक्टर? आप यस शी इज अ राफिया डॉक्टर। आप कहेंगे कि डॉक्टर नहीं देख सकता? ठीक है मैं गलत है, उसको वापस लीजिए। ठीक है वापस, मगर राफिया डॉक्टर है उस पर कहिए। हां राफिया डॉक्टर है, अच्छा लगता है वो। हां डॉक्टर है वो, गाड़ी पकड़ दी है डॉक्टर है। कोई डॉक्टर नहीं है राफिया, आप मौलवी नहीं है लेकिन वो डॉक्टर है। हां डॉक्टर रिजवान, मैं एक बात क्लियर कर दूं सर, एक सेकंड। आप कभी बोलते हैं मुझे समझ नहीं, कभी बोलते हैं बहुत सेकंड सर, कभी बोलते हैं क्लैरिटी कर देंगे मौलाना साहब। एक बात पे टिके रहिए ना आप, एक बात पे आप टिके रहिए ना अपनी। क्या टिके रहे तुम? डॉक्टर हैं क्या? टिके रहे क्या? टिके रहे डॉक्टर नहीं है भी सही है। आप डॉक्टर हैं क्या? है वो डॉक्टर, मैं कह रही हूं है वो डॉक्टर। आप एक योग के पर वो उसने मुझे सांस लेना सिखाती है, सलीके से सांस लेना सिखाती है, वो डॉक्टर है। ठीक है ना? डॉक्टर नहीं धमका सकते सर, यहाँ न्यूज़ पे नहीं धमका सकते, ऐसे कोई नहीं धमका सकता है। वो बैठी है और बहुत जोश में बैठी है, वो बच्ची ऐसे ही बैठी रहेगी। वी आर प्राउड ऑफ बिल्कुल, हम भी उनके साथ हैं। प्राउड ऑफ रूबिका। हाँ रूबिका डॉक्टर रिजवान, रूबिका आज जो पूरे दिन राफिया के साथ टीवी पर हुआ है रूबिका, जिसको बार बार आप भी बोल रही हैं, उसको मैंने बड़ी आसान भाषा में समझाता हूं आपके व्यूअर्स को। आपने डिस्कवरी पर देखा होगा कि एक छोटा सा प्यारा सा हिरन जब खेत में निकलता है और 8-10 जंगली कुत्ते उसको पकड़ के भबोड़ते हैं। शर्म करो। तो आज मैं तुम मिसाल गलत दे रहे हैं, आप मिसाल गलत दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। लफ्जों का संयम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लफ्जों का संयम। डॉक्टर है कि जाहिल है हमें तो पता नहीं, जाहिल आदमी बात करने के लिए डॉक्टर वाली राफिया, आपके सामने वापस ली। राफिया डॉक्टर रिजवान आपसे बात करे, डॉक्टर रिजवान प्लीज स्पीक डायरेक्टली टू राफिया। मैं चाहती हूँ आप राफिया से बात करें। वो चाहती है कि उनके कौन राफिया बेटा, राफिया बेटा तुम शेरनी हो, तुम शेरनी हो, ये जंगली कुत्ते तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। तुमसे आगे तुम शेरनी हो, कुछ नहीं कर सकते। नदीमुद्दीन साहब नहीं कर पाएंगे बेटा।
स्कूल में एडमिशन दो, तुम इनको सूर्य नमस्कार करवाओ। ये लोग बेटा जंगल में हिरण के पीछे कुत्ते पड़ते हैं, वैसे ये मुसलमान औरत के पीछे पड़ते हैं, तुम्हारे पीछे पड़े हैं, शहरवानों के पीछे पड़े थे, शहरवानों के पीछे पड़े थे। बेटा तुम हिम्मत मत हारना, बस मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं कह रहा हूँ। पढ़े लिखे भी हो या नहीं, ये तो बता दो, पढ़े लिखे हो या नहीं। पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करता। सर एक सेकंड रुक जाइए, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल रशीदी साहब, आई विल आस्क हिम टू टेक हिज वर्ड्स बैक, ठीक है? मैं आई विल डू दैट, रिलैक्स। डॉक्टर रिजवान, वो ठीक नहीं था आपने जो किया। पहले जमान पे लगाम रखो। सर फिर वापस, मुझे लगता है वो लगाम आपकी भी जरूरत है। हम रफिया को देख के मुझे रिजवान, रफिया को देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर सारे इंसान कुत्ते दिख रहे हैं तो सबको कुत्ता बनने की इच्छा है। मुझे नजर की पता है ये। आई डोंट लाइक इट, नो, दिस कैन नॉट हैपन। आई एम सॉरी, नॉट इन माय डिबेट। जंगल में ये एक एग्जांपल है, जंगल में हिरण के पीछे सर वो एग्जांपल ले लीजिए आप वापस। आप बेटर एग्जांपल दीजिए। लेट्स नॉट फॉल टू दैट लेवल। मैं नहीं मानती हूँ। कॉमन सेंस है कि कुत्ते को कुत्ते ही नजर आते हैं। अच्छा राफिया, मैं राफिया के पास जा रही हूँ। आई थिंक शी इज द मोस्ट पॉजिटिव वुमन टुडे, मोस्ट पॉजिटिव वुमन। मैं राफिया के पास जा रही हूँ। राफिया, ये जब आप सुन रही है, मुझे लगता है ये पहली बार आपका इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा होगा टीवी पर आना। सच्ची बताना, दिल पर हाथ रख लो, डर तो नहीं रही हो ना? नहीं मैम, काफी सालों से आ रही हूँ। सात साल, यस मैम। नहीं मैम, जब मैं सात साल, मैं 2007 से मेरे कंटिन्यू पेपर में आ रहा है मैम। जब मैं स्कूल में थी ना, तब से मेरे बार पेपर में अप्रिशिएशन आ रहा है कि राफिया ने ये प्राइज जीता, राफिया ने ये, राफिया ने अपने कॉलेज में रिकॉर्ड बनाया, राफिया ने यूनिवर्सिटी में जीता, राफिया ऑल ओवर इंडिया फिफ्थ रैंक लेकर के आई, मेरे इंटरव्यूज, डिबेट, अपने कॉलेज की लड़कियों के लिए फाइट की, सारे समाज के लिए फाइट करती हूँ। जब कोई सुसाइड करती है ना मैम, तो उसके गार्जियन मेरे पास फोन करते हैं, राफिया बचा लो मेरी बेटी को। वो भी मैं थाना में, आप पता करिए, हिंदपीढ़ी थाना में मैं उसके पेरेंट्स को लेकर के गई थी। जब एक लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की थी उसके पेरेंट्स के साथ, मेरे कॉलेज के अंदर बहुत सारी लड़कियों को छेड़खानी होती थी। मैंने कॉलेज में आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद मेरे कॉलेज के अंदर जाकर के देखिए, एक परिंदा पर नहीं मार सकता, मेरी सारी लड़कियां सेफ है मैम। और अभी हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट करने वाले थे, हर एक कॉलेज कॉलेज जाकर के लड़कियों को वुमेन एम्पावर करने है मैम। सारे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने रोल मॉडल, हम लोग कॉलेज कॉलेज जाते हैं, लड़कियों को वुमेन, सारी लड़कियों को हम लोग एम्पावर करते हैं। आप रोल मॉडल हैं, सीरियसली। आप बहुत दूर बैठी है, मेरा दिल कर रहा है बस एकदम कस के आपको गले लगा दूं, कस के गले लगाऊं और आपको ये कहूं कि देश को आप जैसी बेटियों की और जरूरत है। खूब सारी राफिया आए, खूब सारी राफिया मिलकर हिंदुस्तान को और बुलंद करें, उसकी तस्वीर को और बुलंद करें। लेकिन मुझे जरा ये बताओ कि ये योग और राफिया का कनेक्शन कैसे हुआ? मैम, योग और राफिया का कनेक्शन यहाँ से हुआ। मैं जब छोटी थी ना मैम, तो मैं 4 साल की थी, तो जैसे मेरे 3 क्लास स्कूल में होता था योगा, तो मैं देखती थी मेरे सीनियर्स योगा कर रहे हैं। तो 3 क्लास तो मैं उस समय थी नहीं, पापा को बोली कि पापा मुझे योगा करना है। तो मेरे पापा सुबह सुबह उठ करके मेरे सर के घर पे ले जाते थे, मेरे सर मेरे योग करते थे। अब ये मैम बात नहीं आनी चाहिए कि एक हिंदू ने एक मुसलमान को योगा करवाया, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ। उसके बाद मैं ये बात हो रहा है ना, उसके बाद सुबह से फिर मैं कॉम्पिटिशन से स्टार्ट। अच्छा मिशन क्या है? दो तीन बातें गलत बात है सर, सुबह से इस तरह की बातें मत करो बेटा। वो अब अगर मत करो इस तरह की बात, अगर वो नाइव होती ना, नहीं 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 नहीं, अगर ये स्टोरी आई होती मत करो। सर सुबह से हिंदू मुसलमान कर ही रहे हैं, नदीमुद्दीन साहब यही तो कर रहे हैं। नहीं 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 सर, राफिया की बात अब देश तक पहुंच कौन पूछेगा आपको? राशिदी साहब, इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ। नहीं गलत सेंटेंस आप नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ। मुझे आज मुझे सिर्फ राफिया को सुनना है सर, मैं सिर्फ राफिया को सुनना चाहती हूँ। प्लीज सर रुक जाइए। राफिया मुझे ये बताइए कि अब आपका मिशन क्या है, व्हाट इज योर मिशन? आप क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? राफिया क्या मिशन है आपका, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? मैम
क्या मिशन है आपका राफिया, आप क्या बनना चाहती हैं? मैम कुछ लोग आकर के अभी लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई कर रहे हैं मैम? कुछ लोग अभी मौलाना साहब जो कर रहे थे मैम। हाँ मैम मेरा मिशन यही है, मेरा मिशन यही है कि मैं एक प्रोफेसर बनना चाहती हूँ और साथ में मैम मैं योगा करना चाहती हूँ। डोंट वरी राफिया, राफिया कैमरा पर्सन को बोलिए, जो कैमरा पर्सन आपके सामने उसको बोलिए कि जहाँ लड़ाई हो रही है वो दिखाए जरा। बोलिए कैमरा पर्सन को, नाम पूछे। आपके घर में हो रही लड़ाई, कहाँ हो रही है? क्या राफिया बेटा कुत्ते आ गए बेटा? यार प्लीज 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 डॉक्टर रिजवान, डोंट डू इट फॉर गॉड सेक। वो कुत्ता है, दे बिहेव लाइक डॉग्स। प्लीज आप डिबेट के स्टैंड बिल्कुल नहीं, ऐसे नीचे नहीं ला सकते। नो डॉक्टर रिजवान, आई विल नॉट अलाउ इट, आई एम सॉरी। मेरा व्यूअर ये देखना सुनना पसंद नहीं करता। दे बिहेव लाइक डॉग्स, नो दे आर सोशल डॉग्स। राफिया मेरी बात सुनिए, कहां जा रही है आप? दे आर डॉग्स। वो वहाँ जरूर कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ परेशानी है। रूपिका जी देखिए, कैमरा पर्सन अगर मुझे सुन पा रहे, शी इज बैक, शी इज बैक, शी इज बैक। क्या हो गया राफिया, क्या हो गया, सब ठीक है राफिया? आप ठीक है? नो मैम। क्या हो रहा है राफिया, बताइए मुझे क्या हो रहा है? आप सेफ तो है ना, जहाँ पर भी है? दिखाओ ना क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड रुकिए मौलाना साहब, रुकिए। दिखाइए क्या हो रहा है, पहले दिखाइए क्या हो रहा है राफिया, बताओ क्या हो रहा है। राफिया आर यू ऑल राइट? राफिया रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो गया है? पब्लिसिटी स्टंट, डोंट कॉल इट अ पब्लिसिटी स्टंट, इट इज नॉट, लुक एट द गर्ल। 100 वो शट अप यू मौलाना, कहां है का मौलाना के मुंह पे डायपर बांधो, मौलाना के मुंह पे डायपर बांधो। कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो बच्ची के चेहरे पर देखिए आप, वर्बल डायरिया, वो घबराई हुई बच्ची है। रो गई थी अभी मेरे सामने, मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई गई या फिर मुझे और अनसेफ कर दिया गया है? पब्लिसिटी स्टंट, देखिए रूपिका जी बिल्कुल कहा है, दिखवाइए ना, कैमरामैन को बोलिए दिखाइए कौन है। मेरे घर के नीचे जो चल रहा है वो भी पब्लिसिटी, दिखाइए ना, दिखाइए कहा है, कैमरामैन को कहिए दिखाएंगे। भैया प्लीज दिखा दीजिए ना भैया, दिखाओ भाई कैमरामैन, दिखाओ कैमरामैन, दिखाओ क्या हो रहा है नीचे, दिखाओ ना, हम उनकी निंदा करेंगे। निंदा नहीं, हम उनको चैनल पर बैठ के गालियां देंगे भाई, दिखाओ। जो लोग आपके घर पे मौलाना साहब, आपके आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप दोनों चुप हो जाइए, आप दोनों चुप हो जाइए, आप दोनों चुप हो जाइए, आप दोनों चुप हो जाइए। खुदा के वास्ते थोड़ा ईमान रखिए, थोड़ा दिल रखिए। ईमान आपके कहने से नहीं रखते, आपके कहने से कोई ईमान, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, ये देखिए क्या हो रहा है। क्यों पहुंचे वहां पर? राफिया इसको दिखाइए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? दिखाइए कौन है, जूम करके और कितना दिखा दे, कैमरा की जितनी रीच होगी उतना ही तो होगा ना, जूम तो करवाइए ना। अब आप दोनों 007 जेम्स बॉन्ड बन जाइए। नहीं नहीं नहीं, हम अभी तो बोल रहे थे कि बताओ क्या हो रहा है, अब दिख गया, कार्रवाई करिए, ये किसकी जमात का है, कार्रवाई करिए, कार्रवाई करो इस पर, कौन है आदमी, नसीमुद्दीन, इसको पुलिस पकड़े, कार्रवाई करिए, जेल में डाले, क्यों गया उस बच्ची के यहाँ, कार्रवाई करिए, क्यों गया बच्ची के यहाँ, कार्रवाई करिए, हम बोल रहे जेल में डाले इसको। देखिए मुझे लगता है कि देश, देखिए इसको जेल में डालना चाहिए, हमारे इतने इतने बड़े जेल में डालना चाहिए, क्यों पहुंचाए वो? अभी तो आपको लग रहा था नाटक कर रही है बच्ची, नाटक इसलिए कि दिखाया, अभी अभी लग रहा था आपको नाटक कर रही है, बोल दिया ना कि जेल में डाले इसको, मौलाना साहब जेल में डाले, देखिए आपको दिखाया, जेल में डाले इसको, दिखा रहे हैं कौन भी आप, ये आप किसके, तो जेल में डालो इसको। सनी सनी मेरा रिपोर्टर मौके पर पहुंचो, एक सेकंड, मौके पर मौजूद है सनी मेरे रिपोर्टर, जरा उनका रुख कर लेते। सनी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताएं? देखिए लाइव लगातार चैनलों में चल रहा है और वही लाइव को देखकर कुछ पड़ोस के मौलाना यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो राफिया के पिता को ये समझा रहे हैं कि जो भी आपकी बेटी चैनलों में कह रही है उसे रोका जाए, और उनके पापा और उसमें जो तस्वीरें आप देख रही हैं वो वही गाड़ी से अभी यहाँ पर मौलाना पहुंचे हुए हैं, राफिया के घर के बाहर की ये तस्वीर है और उन्हें समझाया जा रहा है उनके पिता को कि वो ऐसा ना करें। तो कहीं ना कहीं जो आवाज राफिया उठाना चाह रही है उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। राफिया भी सेफ है? जी बिल्कुल सेफ है, वो राफिया अभी हमारे साथ है और घर के अंदर है। ठीक है राफिया, आप परेशान मत होना, राफिया आप मुझसे बात कर पाएंगी?
राफिया को दोबारा बिठा सकते हैं सनी, एक सेकंड सनी। बिल्कुल 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 मैम, राफिया अभी आप सामने आप देख सकती हैं कि राफिया बैठी, आप उनसे सवाल पूछ सकती हैं। राफिया डू नॉट वरी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे फिर वो मुस्कान चाहिए, पूरे देश ने वो तस्वीरें देख ली है राफिया। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, अगर कोई बदतमीजी किया तो उसको मुंहतोड़ जवाब दो, बिल्कुल नजरियाती है, गिरफ्तार करो उसको, राफिया गिरफ्तार करो। मौलाना तो साथ हैं, हम पूरा देखिए 125 करोड़ देश आपके साथ है, बिल्कुल योगा के पीछे आपको बता दें आइडिया करिए, ये किसी एक इंसानियत के लिए कर रही हैं आप, एक सेकंड अच्छा काम करिए, हम पूरा का पूरा देश आपके साथ है, पूरा मैं अपने सनातन धर्म की आपको लेके कह रहा हूँ, कोई आज नहीं आ रहे गुंडागर्दी करे, मौलानाज को भी कार्रवाई करो, आप मौलानाज को भी जो कुछ कहा है आप बेटी मन में ना लगाना, और रही बात वो जो मौलानाज आपको धमकाने आ रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा योग के पीछे, आप दुनिया में अपना नाम रोशन करिए, एक मुस्लिम महिला होने के नाते हमें गर्व है, आज एक हमारी बेटी योग को लेके, अरे योग तो शरीर के लिए है, किसी धर्म के लिए नहीं है, महिला होने के नाते गर्व है बोलिए, हमें गर्व है बेटी, आप बोलिए महिला होने के नाते गर्व है, हमारे देश की बेटी मुस्लिम महिला होने के नाते काम कर रही है, सुनिए कुछ कह रही है राफिया। हाँ राफिया क्या कह रही है आप? मैं जब अभी सेफ अभी मुझे जब सेफ्टी प्रशासन पूरी तरीके से लगी है, प्रशासन खुद परेशान है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि मेरे वजह से मेरा देश परेशान है, मेरा प्रशासन परेशान है। अरे कोई जब परेशान मेरे, मेरे यहाँ पथराव होता है तब लोग कहाँ रहते हैं, आज जब ऐसा हंगामा, बिल्कुल देखो नहीं रोना है, मुझे नहीं अच्छा है। नहीं लग रहा मैम, मैं सबको तकलीफ दे रही हूँ, यू आर झांसी की रानी, रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना है, ट्रोल करने की कोई इजाजत नहीं दे सकता, ट्रोल करने की कोई इजाजत नहीं दे सकता, आप कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आप लोग प्लीज कुछ ना कमेंट करिए, उस बच्ची को घबराइए मत, सुबह जो मौलाना नदीमुद्दीन आपके साथ लड़ाई कर रहे थे, सुबह जो मौलाना नदीमुद्दीन आपसे लड़ाई कर रहे थे, देखिए वो अभी आपसे कैसे बात करेंगे, सुनिए सुनिए वो आपसे बात कर रहे हैं। देखो सुनो, ये नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, मगर महिला के नाते तुम्हारा सम्मान, तुमको प्यार करना ये ज़रूरी है, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तुम पर अगर किसी बात पर मेरा एतराज़ है तो ये एतराज़ है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सुनो, मैंने कभी सुनो, भी गलत नहीं किया, हाँ सुनो सुनो सुनो, हम तुम्हें प्यार करना बंद कर देंगे, तुमको सम्मान देना बंद कर देंगे, जो लोग तुम्हारे घर पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं प्रशासन से कहता हूं और मुसलमानों से कहता हूं, उन गुंडों को सख्त सबक सिखाए, और तुम्हारे घर पर किसी की पत्थरबाजी हो रही तो हम उसकी निंदा करते हैं और तुम्हारे साथ हम खड़े, क्योंकि मैं सुबह से रेड रेड के थक गई हूं कि मेरा काम मेरे साथ है। मौलाना रशीदी साहब भी बात करेंगे, इस बात की बिल्कुल इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, कोई कुछ भी करे, शराब पिए, जिना करे, चोरी करे, कुछ भी करे, किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि भाई आप उसको ट्रोल करो, हिंदुस्तान का कानून है, हिंदुस्तान का कानून उसको देखेगा, या इस्लाम है, इस्लाम उसको देखेगा, अल्लाह से उसका मामला है, हम सिर्फ बता सकते हैं गलत क्या है सही क्या है, किसी को ट्रोल नहीं किया जा सकता, अगर कोई ट्रोल कर रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ट्रोल नहीं किया जा सकता, पर नहीं वो भी सुनिए, अगर वो महिला बेचारी बात कर रही है और उसको इतना हंगामा कर दिया जाए, अगर सुनिए पूरा देश देख रहा है, आप सुनिए एक मिनट, आप उसकी हिम्मत बनाइए, वो आप और आपको मुझे बताइए, आप उसको और उछका रहे हैं, आप उछा नहीं रहे, हम बता रहे हैं आपको क्या है, अरे यार आप दोनों रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, तो मैं भी कभी कभी एक सेकंड रुक जाइए सर, मैं उस बच्ची के लिए बहुत चिंतित हूँ, मैं उसका ऐसे चेहरा नहीं देख पा रही हूँ, कुछ नहीं होगा, ये देखिए आपने देखा सुबह जो आपसे झगड़ा कर रहे थे मौलाना नदीमुद्दीन, अभी फौरन वो आपके साथ खड़े हो गए हैं, बिल्कुल वो ये कह रहे हैं कोई आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है, किसी में ये हिम्मत नहीं है, बिल्कुल हिम्मत नहीं आप पर खरोच तक आने दे, आपके घर पर किसी तरह की कोई दिक्कत आने दे, कोई ये काम नहीं कर सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं, डू नॉट वरी, पूरा देश आपके साथ है, डॉक्टर रिजवान भी अभी बात करेंगे, बिल्कुल राफिया घबराने की जरूरत नहीं है, एक तो पहले प्लीज मुझे बढ़िया सी मुस्कान दे दीजिए, डॉक्टर रिजवान पहले मैं मुस्कान देखूंगी, राफिया पहले मैं मुस्कान, बिल्कुल बिल्कुल फुल स्क्रीन, राफिया हंस के दिखाओ, मुस्कान दे दीजिए, रिजवान चाचा को हंस के दिखाओ, रिजवान चाचा को हंस के दिखाओ, हंसो, चलो जल्दी से राफिया, सिर्फ आप दिख रही है अभी स्क्रीन पर, नहीं नहीं बड़ी वाली मुस्कान लाओ, बड़ी वाली स्ट्रांग बड़ी वाली, चलो रिजवान चाचा को हंस के दिखाओ, चाचा हो गया, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस,
अब बताइए डॉक्टर रिजवान, घबराई हुई है अभी भी राफिया? रूबिका वो घबराई हुई है डॉक्टर रिजवान, शी इज लिटिल स्केयर्ड, वो डरी हुई भी है। पहले तो ये बता दीजिए डॉक्टरेट कहाँ से किया आपने? सर बाद में जाइएगा ये सब, मैं आप ये खत्म हो जाए उसके बाद खूब आपके पास पता तो चले जो आदमी इतना बड़ा जाहिल हो सकता है नेशनल टीवी पे बैठ के, हमें कोई डॉक्टर है भी नहीं पता तो चले। रूबिका माफी मांगे, रूबिका आप दोनों चुप हो जाए एक सेकंड, डॉक्टर रिजवान को सुने आप। हाँ बोलने दीजिए, बोलिए। रूबिका अभी मौलाना साहब ने एक एग्जाम्पल दिया, उनकी आप लैंग्वेज पकड़िए। उन्होंने कहा कि राफिया का कोई ट्रोल नहीं कर सकता। भाई कोई अगर जिना भी करे, चोरी भी करे, तब भी ट्रोल नहीं हो सकता। ये कौन सा ये कंपैरिजन कर रहे हैं? योग को ये जिना से कंपेयर कर रहे हैं क्या? वो ये क्यों नहीं बोल रहा है कि राफिया जो कर रही है ठीक कर रही है? मैं तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। बस सर आपके लिए तो सब पागल है, जो आपकी बात ना माने वो सबके सब। अरे क्या उसका दिमाग खराब है? क्या बात कर रहा है? सबके सब इस्लाम से बाहर कर दिए जाते हैं, या आपका सबसे सबसे रटा रटा है योग पे हो रही है? हम एक दूसरे को बेवकूफ बता रहे हैं, गलत बात है। ये तो बहुत ही गलत बात है। मैं राफिया के बारे में योग पे इंसान रुक जाओ, मेरे देश की एक बात है। राफिया राफिया सर मौलाना साहब ने मैंने जो आप उसको बार बार रखना है, और उस बच्चे को इतना टाइम तक बिठा के रखना ठीक नहीं है। वो घबराई हुई है, वो अपने माँ के पास जाना चाहती है। रशीदी मौलाना ने मेरी डॉक्टर के बारे में पूछा था राफिया। मैं आपको कुछ ही देर में हम लोग ब्रेक ले रहे हैं राफिया, जाने से पहले मैं चाहती हूँ पूरा देश अंडरस्टैंड राफिया, 200 मिलियन व्यूअर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आपके एक एक शब्द के बहुत माने हैं। वो नीचे जो दाढ़ी वाला कोई मौलवी आया है उसकी फिक्र मत करो सर, वो दिख रहा है दाढ़ी मत कीजिए ना ऐसी, देखिए ना सर वो दाढ़ी वाला है, क्यों पहुंचा वो वहां पे? मौलवी है, हर दाढ़ी वाला मौलवी नहीं होता। अरे सर दिख रहा है, वो क्या बात कर रहे हैं आप? पहले आपने कहा मौलवी नहीं पहुंचा, फिर आपने कहा वो पहुंच गया, अभी दाढ़ी वाला तो है ना, दाढ़ी वाला तो है ना वो। एक सेकंड, मैं राफिया से बात, जब उसको कंडम करते मैं राफिया से बात कर, राफिया उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आने दो जितने आते हैं, ये देश आपके साथ है, every good human being is with you। जाते जाते मैं आपके मुंह से कुछ बहुत पूरी दुनिया मेरे साथ है मैम, मुझे बैंकॉक से भी मैसेज आया, बैंकॉक से भी मैसेज आया, बस फतवे को मेरे पास, मेरे यूएस में और इटली में स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया कि दीदी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप रॉकिंग, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। आप कुछ मैसेज देना चाहती है, मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहती हूँ, रोल मॉडल हो आप। क्या हुआ दिखाइए, दिखाइए ना भैया, दिखाइए ना प्लीज, वो दिखा रहा आप, नहीं भैया नहीं नहीं आप दिखाइए, बोलिए बोलिए, पापा को मेरे से बोला जाए। हम जा रहे नीचे, आप फ्रेम मारो ना प्लीज, प्लीज प्लीज आप फ्रेम मारो, इनको नीचे मत जाने दीजिए, इनको नीचे मत जाने दीजिए, डरा रहे हैं, ये धमका रहे हैं उसके घर के नीचे, कौन है ये? बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, मेरे को बोलिए इनको नीचे मत जाने दें। अरे प्लीज कैमरा पर्सन को कहिए इनको नीचे मत जाने दीजिए, इनको बाहर मत जाने दीजिए, पुलिस को भैया बुलाइए ना, मुझे लगता है पत्थर फेंक रहे हैं वहाँ नीचे से, गार्ड भैया थाना बंद करिए ना थाना। मैं यहाँ पर अभी टीवी पर ये बताना चाहती हूँ, कोई पुलिस वाला झारखंड से, अगर कोई पुलिस वाला इस वक्त जी न्यूज देख रहा है, झारखंड के पुलिस कर्मियों से मेरा निवेदन है फौरन राफिया के घर पहुंचे। झारखंड सरकार से जी न्यूज का निवेदन है, वो बच्ची बहुत तकलीफ में है, नीचे वहाँ हुजूम जमा हो गया है, उसके पिता को डराया धमकाया जा रहा है, वो बच्ची वहाँ खड़ी हो रही है तो धमका रहे, उंगलियां उठा उठा कर उसे कह रहे हैं फौरन यहाँ से जाओ। मैं झारखंड सरकार से निवेदन करती हूँ, जी न्यूज निवेदन करता है पुलिस से कि फौरन वहाँ राफिया के घर पहुंचे। राफिया सर प्लीज बच्ची को माँ के पास भेजिए, मत परेशान कीजिए, विक्की प्लीज मत परेशान कीजिए, बच्ची को छोड़ दीजिए, राफिया आप माँ के पास जाइए अपनी, आप निश्चिंत रहो ना, नहीं बैठना, उसे छोड़ दीजिए विक्की, आप छोड़ दीजिए उस बच्ची को, शी डजंट वांट टू, नो छोड़ दीजिए उसको, कोई उसे परेशान ना करे, नहीं छोड़िए, कोई उसे परेशान ना करे, छोड़ दे उस बच्ची को अकेला, छोड़ दे उस बच्ची को अकेला, छोड़ दे
देख रहे हैं सर। रूपिका जी, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन, मौलाना रशीदी साहब देखिए कैसे दबा मौलाना से रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं, हमारी मौलाना से रिक्वेस्ट है कि मौलाना उसको इतना ना कंप्रेस करें ताकि वो बच्ची नहीं हो रही है, किसी मुसीबत में फंस जाए। गाड़ी वाले आजकल पहले आदमी पर शर्मिंदगी नहीं हो रही है, कृपा करके रिक्वेस्ट है, शर्मिंदगी कैसे वो धमकाने पहुंच गया बच्ची की। हमारा प्रशासन से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि इस आदमी को फौरन गिरफ्तार किया जाए और कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और बच्चे की ट्रोल करने का इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। ट्रोल करने का इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। जी न्यूज की अपील है, फौरन इस पर कार्रवाई हो, इस बच्ची को देखे जी न्यूज। अगर झारखंड का कोई भी अधिकारी देख रहा है, कोई भी सरकारी अधिकारी अभी देख रहा है, तो फौरन उस बच्ची के घर पर पहुंचे। राफिया का पूरा परिवार इस वक्त तकलीफ में है, ये ठीक नहीं है। राफिया पता नहीं, मुझे नहीं पता वो बच्ची मुझे सुन पा रही है नहीं। राफिया मुझे सुन पा रही हैं आप? सरकार की जिम्मेदारी है कि राफिया क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? कानून का उसको कानून की सुरक्षा दी जाए, बिल्कुल सुरक्षा दी जाए। आप अभी राफिया को किसी तरह से कोई भी परेशान ना करे सनी, प्लीज। अगर वो हमारे साथ इस वक्त लाइव नहीं बैठना चाहती है तो प्लीज उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना पहुंचाई जाए। अभी जो देखिए, उनके घर के बाहर कुछ लोग आए थे, उससे राफिया थोड़ी परेशान जरूर हुई है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बल जो है तैनात है और साथ ही जो सुरक्षा कर्मी तैनात है वो अन्य पुलिस कर्मी जो पुलिस के अधिकारी है उन्हें भी सूचना दे दिए। और वो मुझे ये नहीं, मुझे ये बताइए हो क्या रहा था सनी, रुकिए एक सेकंड। जब राफिया हमारे साथ लाइव बैठी थी तब आप वहां पर नजर रखे हुए होंगे कि नीचे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा था उस वक्त बताइए मुझे। देखिए, खबर देखने के बाद कुछ लोग आए और उसके बाद उनके पापा से बात कर रहे थे और उसी दौरान शायद जो डिस्कशन चल रहा था उसके दौरान जो बातें हुई थी उन बातों से शायद कोई आपत्ति थी और वही वो यहाँ पर आके आपत्ति अपना दर्ज करा रहे थे। और कुछ जो लोग हैं नीचे आए थे वो अभी ऊपर आ गए हैं, वो राफिया से बात कर रहे हैं हमारे साथ, वो लोग आ गए हैं। रुबिका, मैं उनको फोन दे रहा हूँ और उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सर बताइए कि क्या आप तुमको किसी तरह का कोई घबराहट की बात नहीं है, हम तुमको पढ़ाए ना, तुमको तकलीफ हो रहा है, हमको परेशानी हो रही है। अरे हम कैसे, आप कौन है, क्या हम कैसे आपको बताएं, क्या आप अभी जी टीवी वाला कौन है? अभी जी पर आप कैसे बता दें हम धमकी दे रहे हैं? आप ये क्यों आपके मोबाइल में आवाज क्लियर नहीं है, मुझे लगता है सनी मुझे दोबारा आपसे संपर्क करना होगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अभी राफिया को थोड़ा सा आराम की जरूरत है, लेकिन ये शर्मिंदगी की बात है मौलाना साहब, सुबह जो आपने किया आप तो आपको उस पर भी शर्मिंदगी हो रही होगी। देखिए मामला कितना आगे बढ़ गया, वो बच्ची घबराई हुई है। मौलाना साहब मुझे ये बताइए, क्या आप इस तरीके से करना चाहिए था? वो देखिए अब क्या हो रहा है, वो गुंडों की तरह वहां पहुंच रहे हैं, वो दाढ़ी में अचकन वाले वो गुंडों की तरह पहुंच के बच्ची को डरा रहे हैं। बात यही है कि आप एक बार सुन लीजिए कि ये कट्टरपंथी लोग ही तो उसको डरा रहे हैं। कौन डरा रहा है उसको? एक योगा सिखा रही है बेचारी, बाकायदा मौलाना है तो उसको ऐसा डरा रहे हैं कि इस देश में उससे बड़ा कोई उसने बुरा गुनाह नहीं किया है। नदी नदी जाते जाते देखिए, आप अभी स्क्रीन पर हैं, जाते जाते मुझे एक सेकंड सर मुझे ये बता कर जाइए, आपने जो किया वो ठीक किया? क्या क्या किया मैंने? सुबह से जो बच्ची को आप धमका रहे हैं, तीन दिन से चल रहा है चैनल पर, तो आज मैं आया ना, नहीं पर आज आए तो आपने धमका रहे हैं, लोग जो पहुंचे हैं कोई धमका नहीं रहा, धमका रहे अपने अपने ऐसे बुरा बुरा कहा। एक सेकंड मेरी वाल जी, मुझे बताइए नदीमुद्दीन साहब, ये अब ये अच्छा हुआ वो वहां पर कोई अचकन में गुंडा पहुंचा? वो गलत हुआ, वो जो गुंडे हैं उन पे कार्रवाई करने की जरूरत है। बच्ची पर अटैक करना, बच्ची को टारगेट करना, ये इस्लाम का कोई रोल नहीं। जो लोग कर रहे हैं उनकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार कार्रवाई करे। आप लोग उल्टी उल्टी बात करें, तभी तो हुआ है, नहीं तो हुआ कैसे है? पॉइंट की बात, बच्ची को अगर साहस करते हैं आप, उसको उत्साह देते तो होता ही नहीं ये काम। मैं ब्रेक ले रही हूँ, मुझे ब्रेक लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता लगाना है कि राफिया इस वक्त ठीक है या नहीं है, वो लोग कौन थे, किस वजह से वहां पर पहुंचे थे और क्या कुछ वहां पर हुआ है, ये जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन कुल मिलाकर आज वो हीरो है और वो हीरो रहेगी, और जो लोग उसको धमका रहे हैं वो ये बात सुन ले और ये समझ ले कि वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे।